नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे रायपुर की, जो पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के बगैर विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करने का आरोप लगाया। मूणत ने सवाल किया है कि आखिर वो कौन सी एजेंसी थी जिसने बगैर टेंडर के काम कर लिया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देवेंद्र नगर चौक, ग्लोबल चौक और सड़क चौड़ीकरण का लोकार्पण बगैर टेंडर प्रक्रिया के करा दिया गया। उन्होंने कहा कि निविदा खुलने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है, जबकि ये तीनों काम खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह देवेंद्र नगर तिराहा में आईलैंड निर्माण, कल्चर कार्य और लैंडस्केपिंग के लिए 42 लाख रुपए की निविदा 23 दिसंबर तक डाली जानी है, जो 26 दिसंबर को खुलेगी, जबकि इसका भी लोकार्पण किया जा चुका है। सुंदरीकरण को लेकर के जो काम सरकार ने किए, काम पहले पूर्ण हो गए, टेंडर बाद में लगे। माननीय मुख्यमंत्री ने 24 तारीख को जिनका लोकार्पण किया, वो काम 24 तारीख को पूर्ण हो चुके, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया 7 तारीख से प्रारंभ होगी और 10 तारीख तक टेंडर खुलेंगे। ये टेंडर 30 तारीख तक खुलेगा। तो क्या टेंडर पूर्ण कर, टेंडर पहले होने के बाद में काम पहले हो सकता है क्या? इसके अंदर स्पष्ट बू आ रही है कि कहीं ना कहीं जाकर के किन्हीं को उपलब्ध करके भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत करने का काम ये किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग कर। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आशीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, राजेश मूणत जी का बयान जो आया है, साफ तौर पर वो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, पहले भी उठाते हुए आए हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो भी है सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। क्लियर क्यों नहीं करती सरकार स्टैंड? देखिए, यहाँ पर मसला सरकार का नहीं है, यहाँ पर मसला रायपुर नगर निगम के दायरे में आता है। और चूंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट था कि उस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सरकार के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी थी, तो ऐसे में बतौर विपक्षी दल बीजेपी सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री है राजेश मूणत, और राजेश मूणत जिस विभाग से आते थे, नगरीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, उस विभाग से जुड़ा ये मसला है। टेंडर हुआ नहीं और बड़े पैमाने पर लोकार्पण के कार्यक्रम हो गए, करोड़ों के निर्माण के कार्य पूरे हो गए, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लोकार्पण करा दिया गया, बावजूद उसके बड़े पैमाने पर यहां पर अनियमितता की शिकायतें हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो बड़ा एलिगेशन बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता के नाते राजेश मूणत ने लगाया है, पूर्व मंत्री की हैसियत से लगाया है, उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आज यानी एक हफ्ते पहले जिन कार्यों का लोकार्पण कर दिया गया, आज उन कामों के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी आज एडवर्टीजमेंट जारी किया गया कि इस काम के लिए सरकार या नगर निगम प्रशासन जो है वो निविदा बुला रही है। तो ये जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि जिस काम को पहले आपने करा दिया है बगैर टेंडर जारी किए, उसके टेंडर को अब जारी किया जा रहा है, यानी सरकार ने पहले काम करा दिया, भुगतान करा दिया, और बाद में अपनी उस पार्टी को बेनिफिट करने के लिए और रिकॉर्ड में आने के लिए अब टेंडर प्रोसेस पर सरकार नगर निगम प्रशासन जो है वो छिपाना क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया के बगैर ही यहाँ पर लोकार्पण कर दिया गया, जिस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं मूणत जी, तो आखिर क्या छुपाया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आरोप तो यही है कि व्यक्तिगत तौर पर अपने करीबियों को फायदा देने के लिए पहले तो काम करा लिया गया, और बाद में चूंकि एक व्यवस्था यही है कि कोई भी सरकारी मद राशि का निर्वहन तब होगा जब विधिवत तरीके से आप टेंडर की प्रक्रिया का पालन करेंगे। टेंडर तो हुआ नहीं था और काम हो गया, लोकार्पण भी हो गया, लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि इन सारी चीजों को शामिल किया जाना है, इस लिहाज से आज ये टेंडर की प्रक्रिया ऑफिशियली तौर पर शुरू की गई है। एक हफ्ते बाद इसे टेंडर को जारी किया जाएगा, जिस तरीके से आज के विज्ञापन को देखकर कहा जाए, तो यहाँ पर सरकार क्या छुपाना चाहती है, निगम प्रशासन क्या छुपाना चाहता है, जो आपका सवाल है वो ये सवाल है कि बड़े पैमाने पर जो भुगतान अनियमित तौर पर कर दिया गया है वो सवालों के घेरे में है, और इस सवाल का जवाब फिलहाल निगम प्रशासन के पास नहीं है। जरूर राजेश मूणत के इन तमाम उठाए गए सवालों का जवाब महापौर इजाज ढेबर ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि इस पर कोई सफाई तो नहीं दी है, लेकिन जरूर पिछली सरकार के कामकाज पर उन्होंने सवाल उठाया है कि तब की सरकार में पारदर्शिता नहीं होती थी और हम आज विधिवत तौर पर तमाम नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए टेंडर की प्रक्रिया जारी कर रहे हैं।
यहाँ पर कोई खुलकर जवाब फिलहाल तो सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राजेश मूणत ने कहा है कि यदि इस पूरे मसले पर कोई वैधानिक कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो इस प्रकरण को बीजेपी कोर्ट तक लेकर जाएगी। पर आशीष, सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि पिछली सरकार पर सब मर दिया जाता है या ये उनकी जो नाकामियां थी वो गिनाई जाती हैं। सवाल जो किया गया उसका आखिर जवाब क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि सवाल यहाँ पर साफ यही है कि आखिर कौन सी एजेंसी थी जिसने बगैर टेंडर पास किए सारा काम कर लिया। देखिए, होना तो यही चाहिए था कि इसका जवाब स्पष्ट तौर पर सामने आए और जवाब ये होना चाहिए था कि किन प्रक्रियाओं के तहत निगम प्रशासन ने पहले ही काम करा लिया और बाद में टेंडर जारी करने की नौबत आ रही है। ये सवाल तो अभी जारी है, लेकिन जरूर कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि एक्सटेंशन पार्ट बताकर टेंडर जारी करने के लिए और तकनीकी पक्षों पर जाने के पहले जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो अपने काम को एग्जीक्यूट करा लेती हैं और बाद में प्रक्रियाओं के तहत उसे दस्तावेजों में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी नौबत नजर नहीं आती है। पहले से पता था कि इस काम को किया जा रहा है तो विधिवत तौर पर उस वक्त ही निविदा बुला लेनी चाहिए थी, निविदा बुलाकर निविदा को खोला जाना चाहिए था और किसी जिस कंपनी को काम दिया गया है उस कंपनी को यदि मापदंडों के तहत ही कंपनी आती थी तो उसे काम दिया जाता। तो ये कोई लीगल मसले पर ये पेच फंसता नहीं है और विपक्ष की इस पर नजर नहीं पड़ती, क्योंकि काम हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है, सरकार के ज्यादातर मंत्री उस लोकार्पण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। तो ये एक सवाल बीजेपी के लिए एक बतौर विपक्षी पार्टी खड़ा होती है और एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा इसे बीजेपी बना सकती है और आज बनाने की कोशिश करती बीजेपी नजर भी आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी को साझा करने के लिए।